हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम शेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी से बनने वाली स्वीट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सभी को बहुत पसंद आएगी, फेस्टिवल आ रहा है, आप जरूर बनाइएगा। सिर्फ 3 चीजों से हम बना के इसको रेडी कर लेंगे, घर के ही सामान से बनकर रेडी हो जाएगी रेसिपी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी को देख लेते हैं। ब्रेड की बर्फी हम 3 चीजों से ही सिर्फ बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और उसके साइड्स निकाल दिए हैं। 1/2 कप से थोड़ी सी कम मैंने शुगर यूज की है। अगर आपको मीठा पसंद थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और 1.5 कप हमने यहाँ पे मिल्क लिया है, ये मलाई वाला मिल्क है, इसमें मलाई भी है क्योंकि मैंने इसको पहले ही बॉइल करके रखा था। मिक्सी के जार में हमें इसी तरह रफली इसको तोड़ के डाल देना है क्योंकि हमें इसका पाउडर फॉर्म बना के रेडी करना है। ब्रेड को देखिए, पाउडर फॉर्म में हमने बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरीके से इसको अलग उसमें निकाल लेते हैं। एक बार इसको मेजर करके देखते हैं, ये 1 कप ब्रेड होगी और उसे थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब फुल करके हमें ब्रेड लेना है 1 कप। ये देखिए 1 कप ब्रेड बनकर रेडी है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1.5 कप मिल्क लेना है हमें, तो ये मलाईदार मिल्क है। मिल्क को गैस पर रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसमें एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आ गया है, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड से इस तरह से स्क्रब करते हुए इसको हमें रबड़ी के फॉर्म में रेडी कर लेना है। देखिए मिल्क रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा रबड़ी के फॉर्म में आ गया है और जितना हमने मिल्क लिया था उसका 1/4 बचा हुआ है। तो इस टाइम पे जो हमने ब्रेड का पाउडर बनाकर रेडी किया उसको ऐड कर देंगे। इस तरह से गैस का फ्लेम स्लो कर लीजिएगा और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे इस तरह से प्रेस करके मिक्स करना है। ये देखिए दूध को पूरा ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से और ये डो के फॉर्म में रेडी होने लगेगा। जब आपको ये ड्राई लगने लगे बस उस टाइम पर ही हमें इसमें शुगर ऐड कर देनी है। तो ये देखिए अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है मिल्क को। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शुगर। तो शुगर मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ी सी कम यूज की है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। शुगर जैसे जैसे मेल्ट होगी ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। बस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा। कोई भी चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं इस टाइम पर तो आप गैस का फ्लेम स्लो करके ही मिक्स करिएगा। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1/2 स्पून इलायची पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इलायची का फ्लेवर तो आप ऐड करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। मिक्सचर देखिए डो के फॉर्म में रेडी हो गया है और इसमें हमने मलाई वाला मिल्क ही यूज किया था तो उसका भी जो घी होता है वो आ जाएगा। 1 चम्मच घी यहाँ पर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। घी के साथ में इसको पका लेंगे, ये थोड़ा सा बबल सा बनने लगेगा। और ये देखिए इस तरीके से पूरा घी जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी स्वीट बनकर रेडी हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम स्लो करके हमें इसे पका लेना है इस टाइम पर। ये देखिए मिक्सचर पूरा ड्राई हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसमें घी भी एब्जॉर्ब हो गया है। अब एक प्लेट लेंगे या जो भी जिसमें भी आपको बर्फी जमानी है उसमें थोड़ा सा घी इस तरह से ग्रीस कर दीजिएगा। मिक्सर को इसी में फैला देंगे। ध्यान रखिए मिक्सर गर्म होना चाहिए तभी बर्फी का शेप अच्छे से लेगा। ये देखिए इस तरह से स्मूथ कर दिया है, ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कटे हुए काजू बादाम पिस्ता से इसे गार्निश कर लेंगे इस तरीके से। स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ड्राई फ्रूट्स बाहर ना गिरें। बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स से स्वीट्स बनकर रेडी हो जाती है, आप सभी ने देखा, और टेस्ट वाकई बहुत ही लाजवाब है, आपको पता भी नहीं चलेगा या जिसको भी आप खिलाएंगे उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये ब्रेड से बनी है। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर रेडी होती है। आधा घंटे के लिए इसे यूं ही छोड़ देंगे, फिर इसे पीस कट कर लेंगे।
आधा घंटा हो गया, देखिए अच्छे से सेट हो गई है। इसको कट कर लेते हैं पीसेस में। ये देखिए हमारी स्वीट्स बनकर रेडी है, सॉफ्ट है देखिए, और बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिए। इसको एक प्लेट में लगाती हूँ मैं। ये देखिए हमारी स्वीट्स बनकर रेडी है, मैंने इसको प्लेट में भी लगा दिया। लग रही ना बिल्कुल मार्केट जैसी, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। फ्रेंड्स आप जरूर बनाइएगा और अपने व्यू जरूर शेयर करिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। 15 मिनट में सिर्फ ये बनकर रेडी हो जाती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी फेस्टिवल आ रहा है तो जरूर ट्राई करिएगा और अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।